हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मीद। और आज मैंने बात करनी है आप लोगों से पीएचडी के बारे में। रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, बहुत ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपना पीएचडी की जर्नी शेयर करें, और मैं कोशिश करूंगी कि अब से मोर ऑफन मैं आप लोगों के साथ पीएचडी रिलेटेड कॉन्टेंट भी डालूं इस चैनल पर, क्योंकि That was the basic purpose I started this YouTube channel, ताकि मैं आप लोगों को PhD के बारे में गाइड कर सकूं। सो जितने भी लोग PhD करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आप PhD रिलेटेड कॉन्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा देखेंगे इस चैनल के ऊपर। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता देती हूँ। मैंने PhD स्टार्ट किया था अक्टूबर 2021 में ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी से। मैं जो है वो लीडरशिप और HR से रिलेटेड मेरा थीसिस का टॉपिक है जिसपे मैं रिसर्च कर रही हूँ। हेल्थ केयर लीडरशिप से रिलेटेड मेरी मेरा थीसिस है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और मैंने 2021 में जो है आई गॉट अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप विद GCU PhD के लिए, और फिर मैंने शुरू किया था इसको, और मुझे एक साल से थोड़ा सा ज्यादा अरसा हो गया है। सो आई थॉट कि नाउ इज द राइट टाइम कि मैं आपसे अपनी PhD जर्नी का जो इनिशियल मेरा एक साल गुजरा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूं, शेयर करूं कि मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने इससे क्या चीज सीखी है। और मैं आप लोगों को भी ये बताऊंगी कि इज इट वर्थ टू डू अ PhD और नॉट। तो ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो मेक योर सेल्फ अ टी और कॉफी एंड सिट एंड रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड, खासतौर पर वो लोग जो कि PhDs में इंटरेस्टेड हैं, करना चाह रहे हैं। तो मैंने जब शुरू किया, आई ऑलरेडी हैड अ मास्टर्स फ्रॉम GCU। 2020 में मैंने पूरा किया था अपना मास्टर्स। तो मुझे आइडिया था एक कि यहाँ पर रिसर्च किस तरीके से होती है, क्या पैटर्न है। एंड लकीली मुझे जो है मेरे मास्टर्स के ही जो सुपरवाइजर थे, ही वॉज पार्ट ऑफ माई सुपरवाइजरी टीम इन PhD एज वेल। तो मेरा एक कम्फर्ट लेवल जो था उनके साथ वो ऑलरेडी बिल्टअप था, और मुझे पता था कि इनको किस तरह का काम ये देखना चाहते हैं स्टूडेंट से और क्या पैटर्न है। तो मुझे उस लेवल पर प्रॉब्लम नहीं हुई थी इनिशियली। लेकिन आप अगर मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बीच बीच में सारे बताती रहूंगी। सो ये अलग से नहीं है कि एक सेक्शन में प्रोज का करूं और एक कॉन्स का करूं, सब कुछ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो मैंने जब शुरू किया तो जो इनिशियल मेरा एक एक्सपीरियंस था पहले साल में, वो था कि बहुत ही आइसोलेटिंग जर्नी होती है। PhD बहुत डिफरेंट है आपके प्रीवियस सारे एकेडमिक लाइफ से, ठीक है। मास्टर्स तक क्या होता है कि क्लास होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटेड काइंड ऑफ लर्निंग होती है, एक टीचर होता है आपको पढ़ा रहा होता है, ठीक है। एक रूटीन बना हुआ होता है आपका, आप हर हफ्ते जाते हो, लेक्चर्स लेते हो, आते हो, एग्जाम्स होते हैं, मार्किंग होती है, एंड दैट्स इट, आपका मास्टर्स हो जाता है, बैचलर्स हो जाता है। PhD इज लाइक 360 डिग्री ऑपोजिट टू दैट। You are not having any taught programs. हर मुल्क में PhD different होता है, ठीक है। तो आपका अपने मुल्क के हिसाब से होगा, हर फील्ड के लिए different है। मैं business leadership HR से related मेरा है, तो मैं उसी के हवाले से बता सकती हूँ। जो लोग labs करते हैं, जो chemistry physics वाले हैं, जिनकी ज्यादा scientific based होती है, जिनके labs होती हैं, उनका PhD का experience बिल्कुल different होगा, because PhD is very very subjective in nature. हर बंदे का अपना experience होता है PhD का, अपनी field के हिसाब से, सुपरवाइजर की जो उनकी एक टीम होती है उसके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस होता है। तो GCU में, यहां पर UK में टॉट प्रोग्राम्स कोई नहीं है PhD के अंदर, इट्स जस्ट प्योर रिसर्च वर्क, और वही आप करते हो। मंथली बेसिस पर आपकी एक सुपरवाइजरी मीटिंग होती है, उसमें आपकी प्रोग्रेस को चेक किया जाता है, आप कुछ ड्राफ्ट्स वगैरह जो भी आप कर रहे हो अपना जिस भी प्रोसीजर में हो वो आप अपने ट्यूटर्स को भेजते हो, वो उस पर आपको फीडबैक देते हैं, अगली मीटिंग का एजेंडा सेट करते हैं, कोई क्यूरीज हैं वो आंसर करते हैं, एंड देन दैट्स इट, यू आर ऑन योर ओन। अनलेस एंड अंटिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है और आप अपने सुपरवाइजर से ईमेल नहीं करते, कॉन्टेक्ट नहीं करते, नोबडी डिस्टर्ब्स यू फॉर अनदर मंथ के आप क्या करें, आपका आपके हाथ में है, ठीक है। गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है उस पर आप हैं, उस पर टीचर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए शिफ्ट था। ऊपर से जब मैं आई थी 2021 में, तो उस वक्त लॉकडाउन भी थोड़ा सा मतलब ईज हुआ था, लेकिन प्रॉपरली ईज नहीं हुआ था। तो फॉर द फर्स्ट होल ईयर इन माई PhD आई हैवंट सीन अ सिंगल पर्सन रिलेटेड टू माई फील्ड। मैं किसी से नहीं मिली, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं,
बने, नाउ आई हैव गॉट वन, लेकिन पूरा एक साल आई वॉज कम्प्लीटली ऑन माई ओन. मैंने अपने सुपरवाइजर्स, वो भी मैं आज तक अभी तक अपने सुपरवाइजर से, मेरी मंथली मीटिंग्स होती हैं, पर मैं अभी तक सिर्फ एक दफा इन पर्सन अपने सुपरवाइजर से मिली हूँ पूरे 13-14 महीने की जर्नी में. मैंने अपने सुपरवाइजर्स को नहीं देखा इस तरीके से, फेस टू फेस मीटिंग्स नहीं हुई. मैं किसी बंदे से नहीं मिली जो मेरे साथ पीएचडी कर रहा हो, ईयर वन ईयर टू. देयर इज लाइक नो सोशल लाइफ लेफ्ट फॉर यू. ठीक है, आप सिर्फ अपने डेस्क तक महदूद हो जाते हो, रिसर्च पेपर्स तक महदूद हो जाते हो, आपकी कोई उस तरीके से सोशल लाइफ नहीं रहती. जैसे कि हमारी मास्टर्स तक होता है कि एक फ्रेंड्स सर्कल होता है, आप बैठते हो, बातचीत करते हो, आपको चीजों का पता लगता है. सो यू आर कंप्लीटली ऑन योर ओन. बहुत ज्यादा एक आपको इनिशियल शॉक भी लगता है कि ये कैसे होगा, और एक आपको एक एंजाइटी भी होती है. ठीक है, एक होता है एक सिंड्रोम सा हो जाता है आपको कि आप अपने आप को मिसफिट फील करते हो. एंड दैट हैपेंड विद मी, बिकॉज मुझे लगता था कि दिस इज नॉट फॉर मी और मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी. और मैं मतलब आई डिडंट फेल्ट माई सेल्फ कनेक्टेड विद पीएचडी. मुझे लगता था कि ये कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसफिट है, कुछ सही नहीं है. दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वे यू वर्क. मैं थोड़ा सा ग्रुप वर्किंग में मुझे मजा आता है, इंडिविजुअल काम करने में मुझे इतना जो है मैं कंफर्टेबल नहीं होती. तो मेरे लिए वो शिफ्ट बहुत बड़ा था. तो अगर आप भी, आपका भी यही है कि आप ग्रुप में काम करने को पसंद करते हो और इंडिविजुअली आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो बहुत सोच समझ के आपने पीएचडी करना है, बिकॉज पीएचडी इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल वर्क. तो अगर आपको उसकी आदत नहीं होगी, या आप अगर डालने के लिए, आदत डालने के लिए विलिंग नहीं होगे, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा पीएचडी करना. ठीक है, और बाकी जहां तक बात है काम की और उसकी, देखें तो आपका रिसर्च का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होना बहुत एसेंशियल है. इसके बगैर आप पीएचडी नहीं कर सकते. मैंने बैचलर्स में भी थीसिस किया था, मैंने मास्टर्स में भी थीसिस किया था, तो आई हैड अ स्ट्रांग बैकग्राउंड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. मुझे रिसर्च मेथड्स का पता था, मुझे डिफरेंस पता था कि डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च में क्या फर्क होता है, फिलोसफीज क्या होती हैं. आई हैड बेसिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग दैट गोज इनटू अ पीएचडी. लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, हर चीज कैसे होती है. सो आई न्यू एवरीथिंग. ऑल ऑफ दैट नॉलेज रियली रियली हेल्प्ड मी, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं था कि अब मैंने ये करना कैसे है. तो मुझे एक आइडिया था कि क्या क्या जाता है एक रिसर्च के अंदर, किस तरीके से लिटरेचर को रीडिंग कैसे करनी है लिटरेचर रिव्यू के लिए, रिसर्च पेपर्स कैसे पढ़ने हैं. मेरी रीडिंग की स्पीड भी अच्छी है बहुत, मेरा एक रीडिंग का भी एक हैबिट बना हुआ था, एक सारा मैं उस प्रोसेस में थी. तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करती. अगर आपने पीएचडी करना है तो बहुत सारे लोग आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप ब्रेक दे लें. मैंने भी मास्टर्स और पीएचडी में तकरीबन 1.5 साल का ब्रेक लिया है, बिकॉज ऑफ माय ऑब्वियसली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी बेबी छोटी थी. बट आई हैव सीन माई सेल्फ लिटरली के मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट आया है उसका, और मेरी जो एक जो मेरा फ्लो बना हुआ था पढ़ने का, वो काफी हद तक मेरा ब्रेक हुआ है. और पहला एक साल मुझे उसी को दोबारा से बिल्डअप करने में लग गया, टू गेट बैक इन टू दैट रूटीन ऑफ रीडिंग एंड वर्किंग एंड राइटिंग एंड एवरीथिंग. तो अगर आपका दिल है पीएचडी करने का, आपने माइंड बनाया हुआ है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जैसे ही आपका मास्टर्स फिनिश हो, विद इन दैट ईयर आप कोशिश करें कि आप अपना पीएचडी सिक्योर कर लें, स्कॉलरशिप, और आप उसको स्टार्ट कर लें. जितना ज्यादा गैप आता जाएगा आपके मास्टर्स और पीएचडी में, उतना ज्यादा आप उस पढ़ने लिखने वाली हैबिट से बाहर निकलते जाओगे, और फिर पीएचडी लेवल पे उसको वापस लेकर आना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज पीएचडी का लेवल काफी हाई है. द लेवल ऑफ एफर्ट दैट गोज इनटू इट, द लेवल ऑफ रीडिंग दैट गोज इनटू इट, दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यू नो हाई एंड लर्निंग. तो उसके लिए आपको उस हिसाब से उस पेस में आने में ही तकरीबन 1 साल निकल जाता है. तो अगर आप रियली रियली पैशनेट है ना किसी सब्जेक्ट के बारे में, और अगर आप वाकई दिल से पीएचडी करना चाहते हैं, तभी सिर्फ आपको ये करना चाहिए. अगर आप सिर्फ इसको कर रहे हैं कि मुझे जॉब्स अच्छी मिलेंगी, तो मैं आपका ये बबल बर्स्ट करना चाहूंगी कि पीएचडी करके आपको के पास ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, या ये कि आपको मास्टर्स वालों से आप बहुत एक्स्ट्रा ज्यादा कमा रहे होंगे. इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट आप अपनी जिंदगी के 3-4 साल देते हो, जिस लेवल का आप एक स्ट्रेस बर्दाश्त करते हो, एक एंजाइटी डिप्रेशन आप बर्दाश्त करते हो दैट कम्स विद द पीएचडी, तो उसको आपने कंपेयर करना है. अगर आप वो सारा प्रेशर लेने के लिए केपेबल नहीं हो, या आप नहीं समझते अपने आप को रेडी उस हद तक,
तो फिर आपको इसमें नहीं आना चाहिए। फिर आप एक मास्टर्स करके अपना 4 साल में आप उतना ही अपना करियर बिल्ड कर लोगे जितना एक पीएचडी वाला 4 साल मेहनत करेगा एक पीएचडी लेने में। तो दोनों चीजों को आपने बैलेंस करके देखना है कि आपके लिए ज्यादा सही क्या है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेनिफिट्स तो आपको पता चलेंगे 4 साल के बाद जब आपका पीएचडी पूरा होगा। अभी इट्स जस्ट इन द प्रोसेस और अभी आपको एज सच कोई बेनिफिट इसका देखने को नहीं मिलेगा कि आपके कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियली आप बेहतर हो रहे हैं। बिकॉज स्टाइपेंड जो मिलता है, अगर आपको ऐसा स्कॉलरशिप मिल जाए जिसमें आपको स्टाइपेंड भी साथ मिलता हो, तो जो स्टाइपेंड मिलता है वो बहुत बेसिक अमाउंट होती है। वो कोई बहुत एक्स्ट्रा स्टाइपेंड नहीं होता कि जिससे आप अपने आप को बहुत फाइनेंशियली स्टेबल फील करो कि मैं बहुत फाइनेंशियली सिक्योर हो गया हूं। ऐसा नहीं है। कि अगर आप मैरिड नहीं है, आप सिर्फ अपने स्टाइपेंड पर रिलाई कर रहे हो, देन इट इज नॉट समथिंग दैट मेक्स यू फाइनेंशियली स्टेबल। आपके पास कोई सेविंग्स नहीं होंगी, आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूं। जब तक कि आपका पीएचडी खत्म होने के बाद आप कोई प्रोफेशनल अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। तो ये आपने देख के हर चीज को कैलकुलेट करके चलना है। ड्यूरिंग द पीएचडी जो ये 4 साल का जो ये प्रोसीजर है, इसमें आपको अपने आप को रेडी करना है फॉर कॉन्स्टेंट फेलियर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे हमारे मास्टर्स वगैरह में होता है कि असाइनमेंट की नंबर मिले एंड दैट्स इट। आप डेली बेसिस पे फेल होते हो और ये चीज शुरू में मुझे बहुत डिसअपॉइंट भी करती थी कि मेरी कोई भी चीज सही नहीं हो रही, फ्रेमवर्क नहीं बन रहा, टॉपिक डिसाइड नहीं हो रहा। इट लिटरली टुक मी 6 to 7 months ऑफ दैट इनिशियल फर्स्ट ईयर के, जिसमें मैंने सिर्फ अपना रिसर्च टॉपिक जो है उसको मैंने फाइनलाइज किया था कि मैंने एक्चुअली करना क्या है। और अभी भी लिटरली दैट इज नॉट कम्प्लीटली फाइनलाइज बेस्ड ऑन के मुझे क्या डाटा मिलता है एट द एंड। उसमें मैंने चेंजिंग्स अगर मुझे करनी हुई तो मैं उसमें करूंगी। तो इसमें कोई भी चीज डेफिनेट नहीं होती अनटिल द डे यू सबमिट योर थीसिस। हर चीज चेंज हो रही होती है, हर तरफ आपका माइंड जो होता है वो लिटरेचर रिव्यू पे भी होता है, वो मेथोडोलॉजी पे भी होता है, इंट्रोडक्शन में भी आप कुछ ऐड कर रहे होते हो। लाइक लिटरली जब मैं एक पीस ऑफ रिसर्च पढ़ती हूँ, कोई भी चीज, कोई बुक पढ़ रही हूँ, कोई थीसिस, कोई रिसर्च पेपर पढ़ रही हूँ, तो उसमें जब मैं कुछ भी पढ़ती हूँ ना, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे उसको फिल्टर कर रहा होता है कि ये इन्फॉर्मेशन इट्स सीम्स लाइक यूजफुल और ये कहाँ पर ऐड होगी, ये मैं इंट्रो में डाल दूं, ये लिटरेचर में डाल दूं, ये मेथोडोलॉजी में जाएगा। आई हैव टू ब्रेक दैट डाउन। और वो एक बहुत ज्यादा आपका माइंड हर वक्त ऑक्यूपाइड रहता है, बिजी रहता है और उससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि मुझे अब फील होता है कि मैं बहुत ज्यादा मेरे अंदर जो है ना भूलने की एक वो गई है कि मुझे मेरा ध्यान नहीं रहता, आपकी कॉन्सेंट्रेशन खराब होती है और चीजों पे से आप भूल जाते हो चीजों को जल्दी। आप हर वक्त आपका माइंड एक कांस्टेंट रेस में रहता है। यहां पर मैं ये भी कहूंगी कि डिफरेंट होगा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि जो सिंगल हैं या जो सिर्फ कपल्स हैं उनके लिए ये जर्नी बहुत डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज यू विल गेट टाइम टू प्रॉपर यू नो स्लीप एंड स्टडी एंड एवरीथिंग। फॉर मी इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज आई हैव अ टॉडलर गर्ल विद मी। और बच्चों के साथ आपको पता है कि बच्चे खुद एक फुल टाइम जॉब हैं, तो मेरा रूटीन इज लाइक एन एक्सेप्शन एंड आई डोंट वांट एनीवन टू डू दिस विच आई एम डूइंग, बिकॉज आपका अपनी हेल्थ बहुत सफर होती है उससे। तो मेरा रूटीन बहुत टफ है बिकॉज बेबी जो है मेरी, वो उसके साथ मैं दिन में नहीं पढ़ पाती हूँ। दिन में इट्स जस्ट हर एंड मी और हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं आराम से। मैं पूरा टाइम उसको देती हूँ विच शी डिजर्व्स, और उसके बाद I sit to work, study, anything that I have to do related to my office, वो मैं करती हूँ रात को। तो 10 o'clock वो सोती है जब, I put her to bed and then after 10:30, like you can say from 11 at night till 5-6 in the morning। आजकल मैं रोजाना सुबह 5:30 पे सो रही हूँ और मैं फिर उठ जाती हूँ अराउंड 9, क्योंकि मेरा जो है वो फुल नाइट की स्लीप के बाद कभी 8:30 कभी 9 उठ जाती है। तो ये मेरा रूटीन है। आई जस्ट गेट लिटरली 4 hours ऑफ स्लीप मोस्ट ऑफ द डेज इन अ मंथ। और ये एक इनसेन तरीका है, यू नो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टू एनीवन कि वो ये करें। अगर आपका सिनेरियो डिफरेंट है तो ऑब्वियसली आपके लिए डिफरेंट होगा। जहां बहुत सारे फायदे हैं शादी के बाद पीएचडी करने के, बिकॉज यू गेट स्टेबल इन लाइफ, यू हैव योर फैमिली लाइफ सेटल्ड सॉर्टेड एंड देन you are progressing towards your career, वो भी एक अच्छी opportunity है, but that puts an added responsibility and stress on yourself. So I feel myself के मेरी जो एक होता है आपका एक stress
डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. सो आई वुड से कि अगर आप अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग समझते हैं, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है कि आप इस सबको बर्दाश्त कर सकें, प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, लोनलीनेस को बर्दाश्त कर सकें, तो फिर आपको कंटिन्यू करना चाहिए. अदरवाइज इट वुड बी ए हेल ऑफ अ जर्नी फॉर योर सेल्फ. और बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस, पीएचडी आप जिससे भी पूछोगे वो आपको यही बताएगा कि इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल जर्नी, कॉन्स्टेंट फेलियर्स. और फेलियर्स से आपने घबराना नहीं है, बिकॉज आप आज एक मॉडल बनाओगे वो दो दिन बाद रेलिवेंट नहीं रहेगा, आपको कुछ और मिल जाएगा, फिर कुछ और मिल जाएगा. तो ये कॉन्स्टेंट ग्रोथ है, फेलियर इज अ ग्रोथ एज वेल. आपका जब कोई मॉडल फेल होता है, स्पेशली इन पीएचडी वी से फ्लर्निंग, एक टर्म होती है जो हम पीएचडी आपस में यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्लर्निंग. यानी कि आप फेलियर से जब लर्न करते हो, दैट्स कॉल्ड फ्लर्निंग, कि आप फेल होते हो एंड देन यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट एंड देन यू डू इट अगेन एंड देन यू फेल एंड देन यू लर्न. सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ फेलियर एंड लर्निंग एंड फेलियर एंड लर्निंग. सो नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, नेवर you know, leave your resilience, be resilient and you will find your way through. मैंने भी जो है वो ऑलमोस्ट मैं मिडवे आ जाऊंगी इस साल और मेरी हाफ जर्नी पीएचडी की कंप्लीट हो जाएगी, विच जस्ट सीम्स यू नो अनरियल टू मी. और मेरा तो एक था कि ड्रीम था हमेशा से पीएचडी करने का. आई वॉज वेरी वेरी सेल्फ मोटिवेटेड टू डू इट और आई थिंक इसी वजह से मैं अभी तक इतने सारी चीजों के बावजूद इसको पुल ऑफ कर रही हूं, बिकॉज आई वॉज रियली यू नो थिंकिंग अबाउट डूइंग इट. तो मेरी एक पर्सनल रेजिलियंस है इसके अंदर कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी इन एकेडेमिया एंड दैट इज वट माई ड्रीम जॉब इज. तो ये कि जरूरी भी नहीं है कि आपने पीएचडी करके टीचिंग की जॉब ही करनी है. बहुत सारे पीएचडी डिफरेंट जॉब्स करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ड्यूरिंग योर पीएचडी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने एकेडेमिया में ही आना है या नहीं आना. और अगर आपने एकेडेमिया को एज अ प्रोफेशन चूज करना है, तो फिर उसके लिए और बहुत सी चीजें हैं जो आपको पीएचडी के साथ करनी पड़ेंगी, जैसे कि रिसर्च पेपर्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेज हो गई. ये सब चीजें मैं आगे फर्दर आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि कैसे रिसर्च पेपर लिखना है, कैसे पब्लिश होता है, कॉन्फ्रेंसेज कैसे मिलती हैं, फंडिंग्स, ग्रांट्स कैसे मिलती हैं. सब चीजें बहुत मैटर करती हैं. और एक सवाल जो बहुत मुझसे पूछा जाता है कि वुड आई रिकमेंड डूइंग पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड या फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया. डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू कि आप कहीं बाहर के मुल्क से करें अगर आपको चांस मिलता है, बिकॉज द लेवल ऑफ लर्निंग, द लेवल ऑफ यू नो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट यू विल गेट हियर इज अनमैचेबल. तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को उस ग्रोथ के लिए रेडी करें जो आपको मिल सकती है अगर आप इसे कहीं बाहर के मुल्क से करेंगे, बिकॉज हमारे मुल्कों में अब पीएचडीज ऐसे ही हो गए हैं जैसे कि मास्टर्स. स्पेशली पाकिस्तान की मैं बात करूंगी, पीएचडीज अब ऐसे हैं कि जैसे आप मास्टर्स कर रहे हैं. बहुत आसान है करना, हर कोई कर रहा है, एवरी वन इज डूइंग इट. यहां अभी भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, हर बंदा पीएचडी नहीं कर रहा होता. और एक स्टैंडर्ड है, एक रिस्पेक्ट जो वो आपको देते हैं being you know in this field, being doing what you are doing, तो वो एक बहुत positively motivate करती है. स्पेशली जो लर्निंग आपको मिलती है, जो क्वालिटी है, जो सपोर्ट यहां मिलती है, जिस तरह आपको यू नो एक्सेस होती है, इजी एक्सेस होती है पढ़ने के लिए. आपको पीएचडी अगर आप कर रहे हो, आपको प्रॉपर ऑफिस देते हैं, आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स देते हैं, यू नो लैपटॉप्स देते हैं, ऑफिस सेटअप करके देते हैं, आपको हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आपको हर तरह की यू नो सपोर्ट दी जाती है. अगर आपको कोई ग्रांट चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यूनिवर्सिटी आपको पूरा आपका ख्याल रखती है. और बहुत ही आपका एक उस हवाले से आपको टेंशन नहीं होती कि अब मैंने ये चीजें भी अरेंज करनी है, तो बहुत हेल्प हो जाती है. और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है पीएचडी में वो है कि आपको ग्रोथ की चांसेस बहुत मिलते हैं. ठीक है, तो आप पर्सनली बहुत ग्रो करते हो, आपको पता भी नहीं होता कि आपके अंदर इतनी कुव्वते बर्दाश्त है. व्हेन यू आर टचिंग योर लिमिट्स, दैट्स वेयर योर पीएचडी जर्नी स्टार्ट्स. ये आपका कंफर्ट जोन नहीं है, किसी का भी कंफर्ट जोन नहीं होता, मेरा भी कंफर्ट जोन नहीं है. ऑल्दो आई लव द सब्जेक्ट दैट आई एम डूइंग, लेकिन स्टिल बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिफिकल्ट है. पीएचडी आसान नहीं है, तो इसलिए आप लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचना कि ये तो यूं हो जाता है, सब लोग कर लेते हैं पीएचडी. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट दैट इजी. आई डोंट नो बैक होम, लेकिन यहां पर इतना आसान नहीं है. हर दिन आपको एफर्ट करनी पड़ती है, हर दिन आपको कुछ नया करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है. तो बहुत एफर्ट जाती है इसके अंदर. जी बेटे, सो काफी लंबी हो जाएगी ये एक वीडियो अगर मैं
मजीद आपको बताती रहूंगी। मैं बहुत देर इस पर बात कर सकती हूँ, आपको फायदे नुकसान सब चीजें बता सकती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारी पीएचडी रिलेटेड वीडियोस आप लोग इस चैनल पर देखेंगे। तो अगर आप पीएचडी का इरादा कर रहे हैं या आपको सवाल से कोई भी इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ योर एकेडमिक जर्नीज, वेदर इट्स बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी। बाय बाय।